सिन तमंचा के दूसरे चरण के अभियान के तहत बेलघाट थाने की पुलिस ने दो अभियुक्तों गुड्डू कनौजिया और यागवेंद्र यादव उर्फ बबलू यादव को किया गिरफ्तार। दो अवैध देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, दो मोबाइल किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर पशु तस्कर राजेश उर्फ राजेश लोना को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। ठंड से बचाव के लिए जनपद में जिला प्रशासन के द्वारा तहसीलों के माध्यम से अभी तक जरूरतमंदों में वितरित किया जा चुका है 42,000 कंबल। आगे भी वितरण का कार्य है जारी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अपर आयुक्त अजय कांत सैनी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का किया अवलोकन। कहा प्रदर्शनी के माध्यम से खादी को मिल रहा है बढ़ावा। युवा वर्ग भी अब कर रहे हैं खादी कपड़ों का प्रयोग। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। कहा शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाने पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निरस्त और वाहन चलाने से किया जाएगा प्रतिबंधित। गोरखपुर खेल महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय बॉक्सिंग एवं हॉकी बालक वर्ग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश ने कहा इस तरह के आयोजन से युवाओं को मिलेगी सकारात्मक सोच और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने से उन्हें प्रदेश स्तर तक नाम रोशन करने का मिलेगा मौका। से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा महानगर में रैन बसेरों की गई है व्यवस्था। रैन बसेरे में पहुंचकर लोग ले रहे हैं लाभ। पानी, शौचालय और रैन बसेरे के बाहर अलाव की है पूरी व्यवस्था। राष्ट्रीय बंधन समिति एवं राष्ट्रीय बंधन युवा परिषद के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय बंधन समिति के प्रदेश महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा तकनीकी के प्रगति के बावजूद रक्त का नहीं है कोई विकल्प। एक यूनिट रक्त बचा सकता है 3 लोगों की जान। मकर संक्रांति तक जनपद में चलेगी तेज हवाएं व रहेगी ठंड। सुबह के समय में सड़कों पर रहेगा फॉग। लाइट जलाकर चलाएं अपना वाहन। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।